साहिबगंज जिले में कार्यरत थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत को लेकर फिर से एक बार सीबीआई जांच की मांग को लेकर राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं न्यायिक जांच पर भरोसा नहीं होने के साथ दोबारा पोस्टमार्टम करने की बात आदिवासी छात्र समाज और आदिवासी विकास परिषद द्वारा की गई। बता दें कि बीते दिनों राजभवन जाकर पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से भी सीबीआई जांच की मांग की गई थी। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी कई बार गुहार लगाई जा चुकी है। वहीं सही तरीके से जांच नहीं होने से आदिवासी समाज काफी आक्रोशित है। आज इतने दिन गुजर जाने के बाद भी ये बॉडी को प्रिजर्व नहीं कराए, ना ही रिपोस्टमार्टम कराए। न्यायिक जांच इस तरह के क्रिमिनल केसेस में, मर्डर केस में पहली बार न्यायिक कमेटी गठन करके जांच कराई जा रही है, जो अपने आप में एक सवाल पैदा करती है। और तो हम लोगों को न्यायिक जांच पे उनका भरोसा नहीं है, हम लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं। हम लोग तो शुरू से ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि न्यायिक जांच भी अगर हो रही है तो अभी तक जो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था परिजनों से मिलते वक्त कि बॉडी का रिपोस्टमार्टम होना चाहिए ताकि बहुत सारी चीज़ें साफ़ हो जाए, क्योंकि बेसरा नहीं रखा गया है पोस्टमार्टम के समय। तो उस चीज़ पर न्यायिक जांच के जो टीम है वो ध्यान नहीं दे रही है, तो जिस कारण से हम लोगों को लग रहा है कि जांच में लापरवाही की जा रही है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि न्यायिक जांच में भी पूरी पारदर्शिता दिखाई जाए और जहाँ तक हो इसकी सीबीआई जांच हो। कुंद्रेसी मुंडा, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, जिला देवास। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।